that Crime Free Bharat mission is going to change this nation. Have you any realization what really Crime Free Bharat mission is for and how exactly it is going to achieve without spending even a single penny? And I feel that you can also contribute to a great extent. So I would like to really understand that you have just casually joined or you have really understood something about the mission and how you intend to really achieve it. हम इसे कैसे हासिल करेंगे इस बारे में आपने कुछ समझ? सर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है। हाँ हाँ। और उसके अलावा मैं खुद एक पत्रकार का काम कर रहा हूँ और RTI एक्टिविस्ट। ओह ग्रेट ग्रेट। सो यू आर वेरी फिट पर्सन। अच्छा मिस्टर मिस्त्री आप ये हाँ जी आपको ये समझ है क्या इस समय कि हम लोगों को शुद्र जवाहरलाल नेहरू ने मूर्ख बनाया और उसके बाद के राजनेताओं ने भी सही है। और एक के बाद एक जो है सांठगांठ की और उन्होंने पार्लियामेंट को भी धोखे में रखा देश की जनता में धोखे में रखा और यदि मुझे ये कहने की लिबर्टी मिले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रद्रोही व्यक्ति था जी। मतलब ये मैं बहुत स्ट्रांग वर्ड का यूज कर रहा हूँ और उस व्यक्ति के लिए यूज कर रहा हूँ जो कि 17 साल इस देश का प्राइम मिनिस्टर रहा उसने शुरू से ही चालें चली एंड ही वाज ए ब्रिटिश एजेंट मतलब उसने 1949 में बिना पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए एक लंदन डिक्लेरेशन साइन किया जी जी मतलब ये जानकारी मुझे कल मिली है व्हेन आई वाज लुकिंग एट ए डॉक्यूमेंट आई फाउंड कि कितना बड़ा दुष्ट हो सकता है कि इसने कहा कि मैं जो है कांग्रेस पार्टी हां हां कांग्रेस एक्चुअली गठन ही हुआ था जब हम मतलब उसमें थे अंग्रेजों के शासन में बेसिकली यदि आप इसको समझते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि इसे एक ICS ऑफिसर जिसका नाम ओए ह्यूम था उसने जो कि ही वाज ए कलेक्टर एंड उस टाइम पे हाँ एंड ही क्रिएटेड दिस कांग्रेस एज ए अपेंडेज टू द ब्रिटिशर्स सो दैट द हिंदू नेटिव्स और हिंदुस्तानी कुड बी हैंडल्ड मोर इफेक्टिवली और ये इंग्लिश स्पीकिंग कैम्ब्रिज में पढ़े हुए लोगों को इकट्ठा करके इनको एज ए कुशन यूज किया जाए जिससे हम नेटिव के ऊपर वो सब चीज़ें थोप पाएँ और उसका कोई विरोध ना हो सो यू आर वेरी राइट कि इट वॉज मोर फॉर फैसिलिटेटिंग ब्रिटिश एम्पायर रादर देन टू गिव यू एनी फ्रीडम एंड इट वॉज वंच ऑफ द पीपल दोज हु यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश एंड दोज हु वेयर इंडियंस बाय बर्थ बट दे वेयर मोर ब्रिटिशर मोर इंग्लिश पीपल इन देयर एटीट्यूड इन देयर कल्चर इन देयर थिंकिंग वो बहुत बड़े गुलाम थे ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है सही है। तो और इस व्यक्ति ने अब ये बताइए कि इसको दुष्टता पूर्वक हमारे ऊपर लादा गया है बहुत कम लोगों को समझ है कि एक इसे किसने थोपा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैबिनेट मिशन आया था उसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी गोपनीय रिपोर्ट टू द ब्रिटिश क्राउन दैट कि भारत में एक हिंदुस्तानी है जो अंग्रेजी बोलता है चरित्र से बेहद कमजोर है हम इसे अपने उपयोग में ला सकते हैं इस इनपुट के बाद जो है माउंटबेटन वाज डिप्लॉयड इन बर्मा ही वाज नॉट इन इंडिया एंड ही वाज स्पेशली चूजन फॉर दिस जॉब बिकॉज एडमिना सी वाज क्लासमेट ऑफ जिन्ना एंड नेहरू बोथ सो सी वाज चूजन फॉर द जॉब I don't know, it need little more study before I could give a conclusive statement, but I am of the view the Edmina was not really wife of Mountbatten. She was a secret agent deployed for this particular purpose. I need further study and further corroboration in this matter, but this is my hunch feeling ki she was projected as wife of Mountbatten, but he was otherwise a secret agent brought for a particular purpose and
सी इन्फ्लुएंस्ड एवरीबडी इंक्लूडिंग गांधी। अब आप ये बताइए, हम 1946 में ऑलरेडी जो है डायरेक्ट एक्शन देख चुके थे, आप ये बताइए देश में ऐसे कोई हालात नहीं थे बट फॉर द व्यक्तिगत जो है इनकी महत्वाकांक्षा जिन्ना और नेहरू की, ये देश बटने से रुक सकता था। और जब जो है मिस्टर टंडन और सीमांत गांधी ये बहुत दुखी हुए और उन्होंने बहुत कर्ष किया इन मीटिंग में, गांधी डिड नॉट अटर ए वर्ड, ही सेड कि दिस इज द बेस्ट जो है ना कमेटी, दीज आर द बेस्ट पीपल हु कैन थिंक ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट, आई एम वेरी श्योर दे आर द नेशनलिस्ट पीपल, वी कैन नॉट रियली क्वेश्चन देम, राइट? अदरवाइज गांधी जो पहले कह रहा था कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, उस व्यक्ति ने एक भी शब्द इसके खिलाफ नहीं कहा, जो रोज जो ना बिना गाय बजाए जो है ना अनशन पे बैठ जाता था। मुझे तो गांधी जी को दुष्ट कहने की इच्छा होती है लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूं दुष्ट कहने से। अदरवाइज ये बताइए, उस व्यक्ति ने एक भी अनशन नहीं किया? नहीं, वो टाइम पे हुआ ही नहीं ना एक्चुअली, इन्होंने भी मतलब उनके डेथ के बाद ज्यादा हुआ ना ये सब। नहीं, ये कहानी उनके समय की है। और जब वर्किंग कमेटी में जवाहरलाल नेहरू को जीरो वोट मिला और इस व्यक्ति ने अंग्रेजों के दबाव में, एडमिना के दबाव में सरदार पटेल को ऊपर दबाव बनाकर जवाहरलाल नेहरू को जो है वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट, और बाद में ये निर्णय था ही कि जो भी वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट होगा वही प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो इसने जो है जवाहरलाल नेहरू को प्रेफर किया और सरदार पटेल को किनारे किया। और इसने अपनी झेप मिटाने के लिए एक स्टेटमेंट दिया कि जवाहरलाल नेहरू जो है कभी सरदार पटेल के अंडर काम नहीं करते और वो कांग्रेस को बांट देते। मैं इस दलील को तोड़ता हूँ, काट के फेंकता हूँ, बड़ी सिंपल रीजन से कि जिस व्यक्ति को एक वोट ना मिला हो उस व्यक्ति की क्या औकात है कि कांग्रेस को बांट दे। सही बात है, मतलब जीरो वोट पाने वाला कांग्रेस को बांट सकता था? नहीं। तो फिर ये दलील तो बेकार की है। फिर दूसरी दलील दी कि जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज स्पीकिंग हैं तो अंग्रेजों को और बाकी दुनिया को जो है ना वो अच्छे ढंग से हैंडल करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप तो खैर ऑलरेडी गुजरात के हैं, यू नो मोर देन मी अबाउट द सरदार पटेल। सरदार पटेल वाज एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है का वो था बैरिस्टर था, राइट? एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग एंड ही वाज मोर इंग्लिश देन जवाहरलाल नेहरू टिल ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ गांधी। और ये कोई एरा गैरा नथु खैरा नहीं था। क्या था कि वो बहुत ही पावरफुल इंसान थे और वो ये होने ना देते। नहीं तो फिर ये क्या इस साजिश में महात्मा गांधी की भूमिका को बहुत ही खराब ना माना जाए? हाँ रहा है वो टाइम के हिसाब से देखें। आप ये बताइए, जब भी किसी क्लिंचिंग पॉइंट पे हम पहुंचते थे गांधी ऑलवेज विड्रॉ द दैट आंदोलन। ये ऑन रिकॉर्ड है कि ही इट इज ऑन रिकॉर्ड ही सेड आई डू नॉट वांट इंडिपेंडेंस ऑन द डेवरीज ऑफ ब्रिटिशर्स। अरे भाई, जो आपके ऊपर रूल कर रहा है उसको तो डिफीट करना पड़ेगा, उसको तो जो है ना आपको डेवरीज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मैं इसे कोई इसे जो है ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट नहीं मानता हूँ। मैं इसे बहुत ही मूर्तापूर्ण गिरा हुआ एंटी नेशनल स्टेटमेंट मानता हूँ कि वी डू नॉट वांट इंडिपेंडेंस एट द डेवरीज ऑफ ब्रिटिशर्स। व्हाट डज इट मीन? जो आपको रूल कर रहा है, जिन्होंने धूर्तापूर्वक, ये बताइए अंग्रेजों ने कोई भी काम अच्छे ढंग से किया? सब जगह धूर्तता की चालें करके मुट्ठी भर लोगों ने जो है ना देश पे जो है ना शासन किया, और देश के लोग जो है ना गद्दार लोग जो आज भी हैं वो जो है इस पे कर पाए? वो अभी भी वैसा ही चल रहा है ना सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो हम आपको जो कंक्लूजन पे लाना चाहता था कि ही वाज मोर ऑफ ए एजेंट। इस व्यक्ति ने बिना पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लिए ही साइन वन लंडन डिक्लेरेशन विदाउट टेकिंग पार्लियामेंट इन कॉन्फिडेंस, जिसमें इसने कहा कि मैं क्राउन की अधीनता जो है स्वीकार करता हूं। दैट्स व्हाई ही मेड इट श्योर दैट हमारे संविधान में कहीं भी भारत को एज ए नेशन हैंडल नहीं किया कहा गया है। भारत इज ऑलवेज कॉल्ड एज ए स्टेट,
नॉट एज ए नेशन। प्रेम्बल को छोड़ दिया जाए तो कहीं पे उसे रिपब्लिक भी नहीं कहा गया है। सो संविधान में, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, संविधान का ड्राफ्ट जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 365 है जितने भी दिन जो है जिस पर बहस हुई, वो बहस वाले ड्राफ्ट, बहस वाला पॉइंट आया कहाँ से था? ये किसी ने सोचने की कोशिश की? वाट एवर इज डेलिबरेटेड, हु मेड दैट ड्राफ्ट, ये मालूम है क्या आपको? इट वॉज मेड बाय द 7 पीपुल हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड ही नेवर वांटेड इट टू बी बाय द डॉक्टर अम्बेडकर। गांधी जी के दबाव में जो है ना, उन्होंने कहा कि इट विल सेंड ए वेरी रॉन्ग सिग्नल, ही वांटेड इट टू बी लिटिल प्यूरिफाइड, अंग्रेजी अंग्रेजी की भाषा बदल दी जाए, बाय ए ब्रिटिश पर्सन, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट द गांधी सेड इट विल सेंड ए वेरी रॉन्ग सिग्नल, प्लीज डोंट डू इट। सो अंडर द प्रेशर ऑफ गांधी देन द डॉक्टर अम्बेडकर वॉज चूजन फॉर द जॉब। एंड यू सी, जिसने खुद ड्राफ्ट बनाया हो, उसने जो कि देश का प्राइम मिनिस्टर भी हो, उसे बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है समय की ज़रूरत थी, बीइंग ए न्यू बॉर्न नेशन। इस व्यक्ति ने सभी जो है संविधान की उसमें भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग लिया, ही मेड इट श्योर कि संविधान वैसे ही बने जैसा अंग्रेज चाहते हैं। दोज डिबेट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गो थ्रू द डिबेट। मतलब व्हाई डू ही, मुझे थोड़ा डिटेल्स ये सब शेयर कर पाओगे? मैं जो अपन बात करते हैं, वी नेवर जो है ना टॉक टू एनीबॉडी विदाउट बीइंग रिकॉर्डेड, एंड दैट इज ऑलवेज बीइंग अपलोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत। सो विद इन 15 मिनट 20 मिनट आफ्टर अवर डिस्कशन इट विल बी अपलोडेड ऑन क्राइम फ्री भारत मिशन, क्राइम फ्री भारत, इट इज ए माई चैनल ऑन यूट्यूब। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली type Crime Free Bharat on YouTube and subscribe it, sure, will get about 2000 odd videos how we are going to transform this nation. Okay, and sure. आपके ऊपर, do you, Mr. Mistry, do you have the feeling that इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर गुलामों के सभी नियम कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप के लाद दिए हैं? आप जिस नियमों से, आप अंग्रेजों के नियमों से क्यों गवर्न होना चाहिए बताइए ना, जो उन्होंने इस देश को गुलाम भारतीयों को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए बनाए हुए हैं। यही कारण है कि आज की जो व्यवस्था है वो रोज जो है ना आम इंसान को बेइज्जत कर रही है। आपकी पुलिस आपसे ठीक ढंग से बात नहीं करती, आपके रेवेन्यू लोग आपसे ठीक ढंग से बात नहीं करते हैं। सर उससे भी बड़ा इश्यू ये है कि आप कभी किसी ऑफिस में विजिट करके देखिए, एज अ नॉर्मल पीपल, और आप किसी डेजिग्नेशन को लेके जाइए। आई नो, वी वेर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, बीइंग इन द रैंक ऑफ द डीजीपी फॉर 7 लॉन्ग इयर्स। ओके, आई एम एन आईपीएस ऑफिसर एंड आई हैड बीन इन द डीजीपी रैंक फॉर अबाउट 7 इयर्स। ओह ग्रेट सर। एंड इन 2017 आई क्रिएटेड ए कॉन्सेप्ट, क्राइम फ्री भारत, and that some concept note was sent to the government of India, and it was a highly technology driven mission with 5 objectives. It says that FIR would be registered without going to thana, not of the technocrat and knowledgeable people who can handle laptop, smartphone, etc., but of a blazer who may not be having access to any smartphone or laptop or any other place. So his FIR would be registered without going to thana, and that too it will be 1000 time more jo hai precise FIR, which everything would be recorded, even if you, the person is speaking in some dialect which is not understandable understood by the technology. Hello.